पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी ने जो चाहा वो नहीं हुआ, मगर असम में बीजेपी ने जीत का परचम फहराया है। एक बार फिर से असम में कमल खिला है, लेकिन बीजेपी की जीत के साथ ही ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि असम में क्या सीएम बदला जाएगा या सीएम सर्बानंद सोनोवाल ही रहेंगे। दस दस दलों का गठबंधन हुआ, 5 साल की सत्ता पर सवाल हुआ, राहुल ने प्रचार में ताकत झोंकी, लेकिन इन सब के जवाब में बीजेपी ने असम में वो कारनामा कर दिखाया जो अब तक कोई और गैर कांग्रेसी सरकार नहीं कर सकी थी। सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में असम में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई है, और बीजेपी इस जीत की वजह 5 साल में प्रदेश में किए गए अपने काम को बता रही है। जो राजनीतिक दल सत्ता में रहता है उसे किसी न किसी प्रकार भारी या कम मात्रा में एंटी इंक्यूमेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब की बार 2021 में हम जब चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रो इंक्यूमेंसी, न कि एंटी इंक्यूमेंसी, बल्कि प्रो इंक्यूमेंसी के बल पर चुनाव लड़ रही है, और ये एक असाधारण बात है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमें काम करते देखा है, हम लोगों के बीच में रहे हैं, उनके साथ दिन रात रहे हैं। हालांकि असम में बीजेपी की दोबारा सरकार के पीछे पार्टी की वो रणनीति रही जिसने कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगियों के सपनों पर पानी फेर दिया। नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी असम में कांग्रेस गठबंधन में शामिल बदरुद्दीन अजमल पर लगातार निशाना साधते हुए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में सफल रही। अगर वो सत्ता में आए तो कर फिर से एक बार घुसपैठ होनी है जो अपने पैरों के तले असम की संस्कृति को रौंदे, असम के साहित्य को खत्म करे, असम के संगीत को। चुनाव की शुरुआत में भले ही बीजेपी नागरिकता कानून को लेकर खुलकर अपनी राय नहीं रख रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव के केंद्र में लेकर आई। खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए नागरिकता कानून लागू करने की बात कही। असमिया वोटरों के अलावा बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति भी सफल रही। कार्बी, दिमासा, मिशिग, राभा और तिवा समुदाय के मतदाता भी पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। इसके साथ ही सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा और हेमंत विश्व शर्मा की जमीनी पकड़ ने बीजेपी की जीत की पूरी पटकथा लिखी। हालांकि असम में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर लोगों के मन में कुछ संशय बना हुआ है, क्योंकि चुनावी रैलियों में दबी जुबान से ही सही हेमंत विश्व शर्मा खुद को अगले सीएम के तौर पर ही पेश कर रहे थे। अगर असम में जीत के बाद अब उनकी ओर से खुलकर ऐसा कोई दावा पेश किया जाता है तो असम में सीएम पद पर पार्टी के दो दिग्गज आमने सामने आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो।